down. I've been out here for a minute. In these trenches, I walk through the fog. Blood in the water, smoke in the air, filling my lungs. You were a friend. दोस्तों, आपने जो पीछे मेरा M4 Plus 6X का स्प्रे देख लिया होगा किस तरह से स्प्रे जाता है, तो क्या आप भी M4 Plus 6X का स्प्रे PUBG Mobile Lite में ऐसा ही मारना चाहते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे मेन चीज़ होता है यहाँ पे आपको सेंसिटिविटी सेटिंग्स, ये आपको कैसे करना है। यहाँ पे आपको अगर इस तरह का स्प्रे मारना है तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला चीज़ कि आपका कंट्रोल किस तरह से काम करता है। कंट्रोल आप यहाँ पे देख लेना कि मेरा जो कंट्रोल है किस तरह से है। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको जो मेरा फायर बटन, राइट साइड में यहाँ पे स्कोप ओपन करने का है, और यहाँ पे मैं अंगूठे से अपना जो राइट, जो आप मेरा राइट अंगूठा होता है उससे मैं यहाँ पे पीक और जंप वगैरह करता हूँ, और लेफ्ट अंगूठे से जो है मैं यहाँ पे स्प्रिंट वगैरह करता हूँ। ऐसा सारा चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे क्या है। अभी देखिए यहाँ पे करना क्या चीज़ है कि सबसे मेन जो होता है सेंसिटिविटी सेटिंग, और इसमें आपको प्लेयर का भी आपको मतलब असर पड़ता है कि आप जो है जायरो प्लेयर हो या फिर नॉन जायरो प्लेयर हो। अगर आप जायरो प्लेयर हो तो सबसे बेस्ट चीज़ है, अगर आप जायरो पे नहीं खेलते हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको जायरो पे शिफ्ट करने की ज़रूरत है अगर आप M4 Plus 6X का स्प्रे इस तरह से देना चाहते हैं। तो अभी सबसे पहले चीज़ कि आपको क्या क्या करना है, आपको सेंसिटिविटी सेटिंग मिलाना है। यहाँ पे देखिए क्या क्या करना होगा। सबसे पहले चीज़ कैमरा आपको जो मिला लेना है 120। इसके बाद यहाँ पे कैमरा का जो मेन सेटिंग होता है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 6X का देख सकते हो कितना है मेरा 12, ये आपको जो रख लेना है। अगर आप नॉन जायरो भी हो तभी आपको यहाँ पे 12 रखना है। और इसके बाद यहाँ पे ADS का सेंसिटिविटी देख सकते हो, इसमें भी 6X का यहाँ पे 12 है। ये चीज़ रही आपको कैमरा और ADS में आपको 6X रखना है 12। अगर आपके पास और अच्छा डिवाइस है तो आप इसे थोड़ा बढ़ा सकते हो, घटाना मत, क्योंकि यहाँ पे मतलब 12 जो है आपको सबसे बेस्ट होता है अगर एक नॉर्मल अगर 5G फ़ोन है, 6GB 8GB रैम है। तो अभी सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ पे जायरो, अगर आप जायरो खेलते हो तो क्या होना चाहिए यहाँ पे सेंसिटिविटी सेटिंग। देखिए सेंसिटिविटी सेटिंग यहाँ पे क्या चीज़ है, आपको 9 स्कोप 200, रेड डॉट का 200, 2x का 200 और 3x का 200, 4x का आपको 135 रखना है, और 6x जो सबसे मेन, जो इस वीडियो का सबसे मेन टाइटल है, आपको 6x को आपको रखना है 90। अभी देखिए होता क्या चीज़ है कि 6x को हम यहाँ पे 3x बनाकर ही खेलते हैं। अगर कोई भी प्लेयर अगर खेलता है तो फुल 6x पे नहीं खेलता है, उसे जो है वो आपको 3x पे करके खेलता है। तो 3x का जो मेन सेंसिटिविटी है वो आपको होना चाहिए 200, तभी आपका जो है वो फास्टली जो है मूव कर सकेगा। यहाँ पे इतना सारा चीज़ आपको कर लेना है, ये चीज़ हो चुका है। अभी देखिए क्या क्या चीज़ है, सबसे मेन चीज़ कि यहाँ पे जायरो और नॉन जायरो पे भी आपको असर पड़ता है। अगर आप नॉन जायरो हो तो आपको जायरोस्कोप इनेबल नहीं रहेगा, यहाँ पे जो है आपको ADS और कैमरा दोनों आपको 12-12 होना चाहिए। यहाँ पे आप 12 पे बहुत अच्छा गेम कर सकते हो, बहुत अच्छा स्प्रे मार सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दी कि आपको 6X का जो सेंसिटिविटी सेटिंग है वो कितना होना चाहिए। आपने भी जो आपका सेटिंग है वहाँ पे जाकर इसे मैच कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। और अगर आपको कंट्रोल चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा कंट्रोल किस तरह से काम करता है, सारा चीज़ आपके सामने है, इस तरह से आप सेट कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके भी नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।